सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बाल कृष्ण और पंतजलि आयुर्वेदी को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। सुनवाई के दौरान रामदेव और बाल कृष्ण दोनों उपस्थित रहे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफ़ी भी मांगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने उनकी माफ़ी का संज्ञान में लिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर हमने छूट देने का फैसला नहीं किया है। पीठ ने बाल कृष्ण से बातचीत करते हुए उनसे कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते। पीठ से बातचीत करने वाले रामदेव ने भी कहा कि उनका किसी भी तरह से अदालत का भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। हालांकि पीठ ने बालकृष्ण से कहा कि वो इतने निर्दोष नहीं हैं कि उन्हें पता ही ना हो कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में इससे पहले के आदेशों में क्या कहा था। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस दिन अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि के MD आचार्य बाल कृष्ण को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इससे पहले मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि रामदेव सार्वजनिक रूप से मामले में माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अदालत सुनना चाहती है कि रामदेव और बाल कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, उन्हें कहिए वो सामने आए। ऑडियो में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बेंच कुछ मिनटों के लिए उठ गई। बेंच ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा मत सोचिए कि ये हमारी ओर से कोई सेंसरशिप है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने दबाव और उसके प्रभाव के बारे में लंबे चौड़े दावे करने वाली कंपनी की ओर से जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफ़ी मांग ली है, पर अदालत ने उन्हें अब तक कोई राहत नहीं दी है। अब देखना यह है कि अगले 23 अप्रैल को रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बाल कृष्ण को कोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं, या वो फिर से कोर्ट के चक्कर लगाएंगे।